नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एलपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण छ विषय हिंदी काव्य पाठ भाग एक की शुरुआत करीशु। काव्य पाठ नाम से जय विज्ञान की, जय हो विज्ञान की। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। आज इकाई में जवानी किसानी साथ विज्ञानी जय बता। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारा विश्व पर बहुत प्रभाव रहा है। શું કહે છે કે વૈજ્ઞાનિક ખોજોના કારણે જે કાંઈ ઉપકરણો યંત્રો બન્યા છે એની આખી દુનિયા ઉપર ઘણો મોટો પ્રભાવ પડ્યો છે। ઉન પ્રભાવો કે કારણ આ સારા વિશ્વ વિભિન્ન પ્રકાર સે સુખ સુવિધા કા અનુભવ કર રહા હે અને એ જ પ્રભાવના કારણે આખું વિશ્વ છે બરાબર અલગ અલગ પ્રકારના સુખ અને સુવિધાઓનો અનુભવ કરી રહ્યું છે। નૈતિક ફર્જ ઓર માનવતા જેસે મૂલ્ય ઇસ ઇકાઈમે નિહિત હે। શું કહે છે કે નૈતિક ફર્જ અને માનવતા જેવા મૂલ્યો છે બરાબર એ આ ઇકાઈમાં સમાવિષ્ટ છે। तो चलो अपने कार्य की समझूती मेळवी लईए। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। शु कहे छे के जय थाय जवानी, जय हो किसानी अने जय थाय विज्ञानी। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासता की खुशबू है। शु कहे छे के आज वैज्ञानिक आविष्कारों ना कारणे सुविधाओं नो क्रम शुरू थयो छे बराबर। निरंतर आपणे बधी सुविधाओं नी अंदर निरंतर वृद्धि थाय छे। विलासता की खुशबू है। विलासता एटले शू? सुख भोग एटले के आपणे जे सुख सुविधा मळी छे ए विलासता की खुशबू है। तो शू कहे छे के वैज्ञानिक उपकरणना कारणे सुख सुविधा नी अंदर छे सतत वधारो थयो छे एटले एम कहे छे के विलासता की खुशबू है। सुख सुविधा नी आ खुशबू छे। बचत समय की ओर शक्ति की। शू कहे छे के वैज्ञानिक उपकरणोना कारणे समय नी बचत थाय छे अने शक्ति नी पण बचत थाय छे बराबर। आपणे कंई पण जग्याए जावुं होय तो बस प्लेन द्वारा ओछा समय में जई शकीए छीए अने वैज्ञानिक यंत्रों कारण बराबर अपने ओछी मेहनत थी वधारे काम करी शकीए छे। अब विकास का जादू है बराबर। विकास है बराबर जादू जेम आग वधे छे। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। शू कहे कि नवा नवा उपकरणों यंत्रों बनाव्या नूतन अनुसंधान। अनुसंधान एटले के खोज नवी नवी खोजना कारण। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। हवे आग जोईए। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते। शू कहीश के मोबाइल पर फोन पर बातों करो पेजर फैक्स है बराबर एन उपयोग करो। मुस्कुराते एटले के पेजर फैक्स मुस्कुराते हसीने उपयोग करो। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुँच जाते मान आज मानवी है बराबर। पड़भर में जयपुर और पड़भर में मथुरा पहुँची जाए बराबर। जी रीते कि बस प्लेन की बड़ी सुविधा थी अपने ओछा समय की अंदर बराबर बीजा गाँव शहर सुधी पहुँची शकी। विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। शू कहे कि जे रास्ता पर चली अने अपने ओछा समय की अंदर पहुँची जवा अनुभव मे आनंद मे बराबर रास्त है बराबर ए विज्ञाने आसान बना दीदो। जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। कॉम्प्यूटर की क्रांति आगे इंटरनेट की परछाई। शू कहे कि आजना जे समय है बराबर है टेक्नोलॉजी युग है तो कॉम्प्यूटर लीधे मानव जीवन की अंदर घणु बधु परिवर्तन आ गयु बराबर। क्रांति आ गई है इंटरनेट की परछाई। इंटरनेट है बराबर ए लोग ने सुख सुविधा आपी रही है। अधर अधर पर खुशियाली की। शू कहे कि अधर अधर एट के होट पर दरेक होट पर खुशीओनी गंगा यमुना लहराई बराबर। બધાના હોઠ પર ગંગા યમુનાની જેમ બરાબર ખુશીઓની લહેર છાઈ છે એ રીતે। બચ્ચે નવી સદી કે બોલે બરાબર નવી સદીના બાળકો બોલે છે દુની અપની શાંતિ બરાબર। દુની એટલે કે દોગુની બમણી કહે છે કે બમણા ગર્વથી વાતો કરી રહ્યા છે વિજ્ઞાનના કારણે। શું કહે છે કે પાછલા સદીના બાળકો કરતા આજના સદીના બાળકો છે ડબલ શાંતિ વાતો કરી રહ્યા છે। જય જવાન કી, જય કિસાન કી, જય હો જય વિજ્ઞાન કી। પછી શું કહે છે કે ચલે સમય કે સાથ તભી તો દુનિયા મેં યશ પાએગે। જ્યારે આપણે સમયના સાથે ચાલશું તો જ આપણે દુનિયામાં યશ મેળવીશું બરાબર એટલે કે નામ કમાવીશું પ્રશંસા મેળવીશું। ઈસ વસુધા પર સુવર્ણ સવેરા નિજ પ્રયાસે લાએગે। વસુધા એટલે કે પૃથ્વી, સવર્ણ સવેરા એટલે કે નવી સવાર, સોનેરી સવાર નિજ પ્રયાસ એટલે કે પોતાના પ્રયાસથી। શું કહે છે કે આપણે આ ધરતી ઉપર પોતાના પ્રયાસોથી સોનેરી સવાર લાવીશું। ફિર કરની હે શરૂઆત સભી કો માનવતા કે ગાન કી। શું કહે છે કે આપણે બધાએ માનવતાના જે ગીતો છે એની ફરીથી શરૂઆત કરવાની છે એટલે કે ફરીથી માનવતાના જે ઉદાહરણો છે બરાબર માનવતા દેખાડી અને માનવતાના ઉદાહરણો બેસાડવાના છે। જય જવાન કી, જય કિસાન કી, જય હો જય વિજ્ઞાન કી।
तो आ काव्यनी अंदर बराबर वैज्ञानिक क्रांतिना कारणे आपणा जीवननी अंदर जे सुख सुविधा में वधारो थयो छे ए बतावामां आव्यो छे। कम्प्यूटरनी अंदर ईमेल इंटरनेट जेवी सुविधा छे एना कारणे बराबर जेना कारणे लोकोना जीवनमां बदलाव आव्यो छे। तो चालो हवे आपणे शब्दार्थ अने महावरा जोई लईए। सिलसिला एटले के क्रम, विलासता एटले के सुख भोग, उपकरण एटले साधन, अनुसंधान एटले खोज, अधर एटले घोट, खुशियाली एटले के आनंद अथवा खुशी, दुनिया एटले दोगुनी, शान एटले शोभा अथवा प्रतिष्ठा, यशगान एटले प्रशंसा का गान, वसुधा एटले पृथ्वी, निज एटले अपना। मुहावरे, सवर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा निर्माण करना, गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। चलो हवे आ पाठना अभ्यासना प्रश्नों जोई लईए। तो प्रश्न नंबर एक में है टेप रेकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। तो तमारे टेप रेकॉर्डर सीडी अथवा के फोन थी बराबर आ काव्य है सांभळी शको छो। हवे जोईए प्रश्न नंबर बे, क्या होता बताइए। तो एमां पहेलू है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो शू जवाब आवशे। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोन पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। पची बीजो प्रश्न है यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो शू कहे कि जो आप समय और शक्ति सारी रीते उपयोग न करिए तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। जो आप समय और शक्ति साची रीते उपयोग नहीं करिए तो आज देश जो प्रगति करी है थती नहीं। त्रीजो यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जो कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट नो आविष्कार न थयो होत तो शू आवशे। यदि कंप्यूटर फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे वह संभव नहीं होता। शू कहे छे के जो आप इंटरनेट फैक्स और इंटरनेट नो ए बधा साधनों विकास न थयो होत तो आप आज जे तेजी थी अने सारी रीते प्रगति करी रह्या छे ते संभव न था। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે દિયે ગયે ઉદાહરણ કે અનુસાર સમાન પ્રાસ વાળા શબ્દો કી રચના કીજીએ। આ પ્રશ્ન છે બરાબર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયને એ હિન્દીની પાકી નોટમાં લખવાના છે ફરજિયાત। તો ઉદાહરણ છે લિખાવટ, રૂકાવટ અને સજાવટ એવી રીતે નોકરાની તો દેવરાની, શેઠાની અને જેઠાણી, આર્થિક એના સમાન પ્રાસ વાળા તો ધાર્મિક, સામાજિક અને તાર્કિક, નાયિકા, ગાયિકા, સેવિકા અને લેખિકા, ચુનાવ, ચઢાવ, પડાવ અને તનાવ। હવે છે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લિખે તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે ક્યા લાભ હુએ હે। તો કમ્પ્યુટર મે બડી સે બડી ગણના ભી પલક ઝપકતે હી હો જાતી હૈ, બટન દબાતે હી બેંક મે આપકા પૂરા ખાતા સામને આ જાતા હૈ, ઘર બેઠે રેલવે ઓર હવાઈ સફર કે ટિકિટ બુક કરા સકતે હૈ, ઘર બેઠે મુદ્રણ કાર્ય કિયા જા સકતા હૈ, સેના, શિક્ષા આદિ તમામ ક્ષેત્રો મે કમ્પ્યુટર કા ઉપયોગ वरदान सिद्ध हुआ है, इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। तो शू कहे कि कम्प्यूटर और इंटरनेट की शू काम तो कि आप मोटी थी मोटी है गणतरी है अमुक सेकंडनी अंदर थी जाए, बटन दबावता बैंक में आखू आप खातु है सामने आ जाए, घरे बैठा बैठा तब रेलवे प्लेन एट्ले कि हवाई सफर की टिकट बुक करी शको। અને મુદ્રણ કાર્ય એટલે કે પૈસાની લેવેચ છે તમે ઘરેથી કરી શકો છો। સેના, શિક્ષા અને બધા ક્ષેત્રોની અંદર કમ્પ્યુટરનું જે ઉપયોગ છે એક વરદાન સાબિત થયો છે। અને ઇન્ટરનેટ છે એ જાણકારીઓનો ભંડાર છે, એનાથી તમે કોઈપણ ક્ષેત્રની અંદર સંબંધ કોઈપણ ક્ષેત્રની ક્ષેત્રથી સંબંધિત જાણકારી છે એ મેળવી શકો છો। હવે છે બીજો, સમય ઓર શક્તિ કી બચત કેસે હોગી। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होगी। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक यंत्रों के कारण बराबर समय और शक्ति की बचत था से। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है बराबर। फोन, मोबाइल और फैक्स जेवा यंत्रों थी संदेशा व्यवहार छे थई शके छे। हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे? આપણે છે બરાબર ધરતી ઉપર સુખ સુવિધાનું નિર્માણ કેવી રીતે કરશું? તો હમ વિજ્ઞાન કે નયે નયે ઉપકરણો કા સહી ઉપયોગ કર ધરતી પર સુખ સુવિધા કા નિર્માણ કરેંગે બરાબર ગુજરાતી। તો આપણે નવા નવા યંત્રોનો ઉપયોગ કરી અને ધરતી ઉપર સુખ સુવિધા છે લાવીશું। પાંચમું, હમ ધરતી પર ક્યા કરને સે હમ દુનિયામાં યશ પા સકતે હૈ? શું કરીને આપણે દુનિયામાં યશ મેળવી શકીએ છીએ? તો હમ પિછડેપન કો છોડકર સમય કે સાથ આગે બઢે તો દુનિયામાં યશ પા સકતે હૈ બરાબર। આપણે સમય સાથે ચાલીશું
तो आप दुनिया में यश मैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? बराबर प्रश्न पूछे कि तमने विज्ञान क्यों आविष्कार से सौथी वधारे गमे छे ने श्या माटे? तो हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। बराबर अमने टीवी नो आविष्कार छे घणो सारो लागे छे केम के अलग अलग रीते अमारू मनोरंजन करे छे। या तमने जे आविष्कार सारो लाग्यो होय बराबर आ प्रश्न छे तमारा रीते पण लखी शको छो। हवे प्रश्न नंबर 2 मां छे, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बराबर आ काव्य पंक्ति छे शुं कहेवा मांगे छे ए आपणे लखवानुं छे। कम्प्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परिचय, अधर अधर पर खुशियां लिखी, गंगा यमुना लहराए, बच्चे नए सदी के बोले, दुनिया अपनी शान की। बराबर तो भावार्थ में शू लखवानुं छे कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जिससे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो, इस नई सदी के बच्चे पिछले सदी के बच्चे की अपेक्षा दुनिया गर्व से बात कर रहे हैं। बराबर जो गुजराती में एक वक्त समझाओ कि कंप्यूटर ना कारण लोगों ना जीवन में घणो बधो बदलाव आव्यो छे, इंटरनेट छे बधाने सुख सुविधा आपी रह्यो छे, बधा ज लोगों ना होठ पर मुस्कान छे अने बधाना लोगों ना मुख पर बराबर खुशीओनी गंगा यमुना लहराई रही छे अने जे नवी सदीना बाळको छे बराबर पाछली सदीना बाळको करता वधारे डबल बराबर बेगुनी शांति पोतानी वात करी रह्या छे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर सुवर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर प्रयास फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय विज्ञान के। तो एनो भावार्थ शुं थशे, इस समय के साथ सॉरी हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे, हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, हम मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। तो गुजराती में एक वक्त समझाऊ कि આપણે સમયના સાથે ચાલશું તો જ આપણે દુનિયામાં યશ મળશે, આપણે આપણા પોતાના પ્રયત્નોથી ધરતી ઉપર નવી સુનેરી સવાર લાવવાની છે અને ફરીથી માનવતાના ગીતોની શરૂઆત કરવાની છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ, તેમાં પહેલું ઉપકરણ છે, તો વાક્ય આજકાલ બિજલી કે ઉપકરણ મહેંગે હો ગયે હે, પછી બીજું છે મોબાઈલ, તો મોબાઈલ મેરી દીદીને નયા મોબાઈલ ખરીદા હે, ત્રીજું છે કોમ્પ્યુટર, મેં કોમ્પ્યુટર પર खेलता हूँ, चौथों छे क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है, पांचवें छे खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। हवे जो ये प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में कहे छे कि चित्र देखकर अपनी कापी में वाक्य लिखिए, એટલે કે તમારી બુક માં વાક્ય લખવાના છે, તો 12 ચિત્ર આપેલા છે બરાબર, એના પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। તો પહેલું લડકા પડી રહ્યા છે, બીજું મોર નાચ રહ્યા છે, तीजू लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, छठू लड़का क्रिकेट खेल रहा है, सातवें धोबी कपड़े धो रहा है, नौवें लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है, पची दसवें बालक सो रहा है, ग्यारह फेरी वाला शाक सब्जी बेचने जा रहा है, बारहवें लड़का पौधे को पानी दे रहा है। हवे अगला वीडियो में मळीए।